वायुसेना का लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। भरतपुर टू मुरैना बड़ा हादसा। भरतपुर में सेना का विमान हादसे का शिकार। भरतपुर में कैसे हुआ हादसा? मुरैना में एयरफोर्स के दो फाइटर जेट क्रैश। भरतपुर में आज एक वायुसेना का लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसा उज्जैन थाना इलाके के पिंगौरा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। जानकारी के अनुसार भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके के गांव चक नगला बीजा के पास वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। तस्वीरें आपको दिखा। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हादसे के बाद की तस्वीरें, मलबा चारों तरफ फैला हुआ। इस दौरान लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसी के साथ आग बुझाने की जद्दोजहद की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो हादसा हुआ है रेलवे स्टेशन के पास हुआ। गनीमत रही कि रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को, वहां रेलवे स्टेशन को कोई नुकसान नहीं हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि जब उन्होंने आसमान में इस फाइटर जेट को देखा था तो उस दौरान इसमें आग लगी हुई थी और जब ये धमाके के साथ गिरा तो आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग जहां जैसे ही सूचना मिली इसे देखने के लिए पहुंच गए। अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10:15 के आसपास नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पे पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अभी ताजा अपडेट क्या निकल के आ रहा है, क्या कुछ पता चल पाया मौके पर जब आप पहुंचे? देखिए, अभी जो सेना के अधिकारी हैं, वायुसेना के अफसर हैं, वो लगातार जो प्लेन के जो मलबा है विमान का उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उसमें ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल सके। लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं मिल पाई है। मौके से कोई भी ह्यूमन बॉडी के पार्ट नहीं मिले तो इसलिए किसी जनाने की बात तो सामने नहीं आ रही है। रेंज आईजी ने भी इस बात को लेकर इनकार किया है, गौरव श्रीवास्तव ने। कलेक्टर आलोक रंजन ने भी कहा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से बड़ा हादसा है क्योंकि बिल्कुल जिस गांव चक नगला बीजा से बिल्कुल एडजॉइनिंग सटे हुए इलाके में, या कहें कि गांव की बिल्कुल गांव का जो एक तरीके से कहते हैं कि जो गांव में ग्रामीण लोग यहाँ रहते हैं उनका जो गौत और खेत जो होते हैं उनसे सटा हुआ जो इलाका है वहां पर जाकर ये पूरा हादसा हुआ है। और बड़ी बात यह रही, विमान गाँव में घरों पर नहीं गया लेकिन गाँव में घटना से लोगों में दहशत है। एक साथ धमाके की आवाज जैसे ही लोगों ने सुनी तो सब लोग हैरत में पड़ गए, उनको लगा कि क्या हो गया। लेकिन लोग इससे पहले समझ पाते उससे पहले ही विमान दो दो पर जल उठा। जी देवेंद्र, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई काफी भयावह तस्वीरें थी। अगर ये विमान जब हादसे का शिकार हुआ, अगर गांव में किसी घर पे गिरता तो काफी नुकसान हो सकता था। ऐसे में रेलवे स्टेशन भी नजदीक था। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बहरहाल, कुछ पता चल पाया है जो इसमें पायलट सवार थे उनका कुछ पता चल पाया है? कि अभी इस तरह की कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। लगातार सेना के जो अफसर हैं, जो विमान के जो पार्ट है, विमान का पूरी तरीके से परखच्चे उड़ गए हैं या कहें कि उसको मलबे में तब्दील हो गया है। एक एक पार्ट विमान के टुकड़े अलग अलग जाके 1,000 से 2,000 मीटर की रेंज में जाके अलग अलग जाकर गिरे हैं और सेना के अफसर लगातार जांच कर रहे हैं और सेना की ओर से आधिकारिक बयान आने की बात चीज स्पष्ट हुई। ठीक है देवेंद्र, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेंगे। खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।